हेलो फ्रेंड्स, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूंग दाल का डोसा बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए देखिए, मैंने साबुत मूंग दाल ले लिया है। ये 1 कप मैंने मूंग दाल ले लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून के लगभग मैंने चावल भिगा दिया है। इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगाना है। तो ये भीग चुका अच्छे से, इसको मैंने अच्छे से धो के भिगाया था। अब हम इसको पीस लेते हैं। 1 कप दाल और 2 टेबल स्पून के लगभग इसमें चावल है। चलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लेंगे और ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे पीसते समय। साथ के साथ हम इसमें ये देखिए 4 से 5 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का भी हम इसमें ले लेंगे और इसको भी पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने दाल पीस लिया है और इसको हमने बहुत ज़्यादा ना जो है गाढ़ा किया है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला किया है। हमें ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दाल पीस लिया है और इधर मैंने कुछ चीज़ें काट ली हैं। ये देखिए, मैंने प्याज 1 काट लिया है, 1 टमाटर काट लिया है लेकिन उसके बीज अलग कर लिए हैं, 1 शिमला मिर्च काट लिया है, थोड़ी सी धनिया और 1 हरी मिर्च, ये सब बारीक काट लिया है। आप सब्जियां अपने अनुसार गाजर वगैरह भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। नमक आप जिस हिसाब से खाते हो नमक मिला लीजिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। आप पीसने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दीजिएगा। थोड़ा सा ये फूल जाता है रखने के बाद, थोड़ा गाढ़ा होता है और अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी मिक्स कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं इसको लोहे के तवे पे बनाऊंगी। आप चाहें तो जो आपके पास नॉनस्टिक तवा है आप उस पर बना सकते हैं। मैंने हल्का सा ऑयल डालकर और इसको पोंछ लिया है अच्छे से। अब मैं इस पर 1 कलछी ये बैटर डालूंगी मूंग वाला और इसको अच्छे से फैला लूंगी और स्लो एकदम गैस की फ्लेम को रखना है, हाई पे नहीं रखना है। अच्छे से इसको हम फैला लेंगे और इसको स्लो फ्लेम पे हम इसको पहले पकने देंगे, फिर हम पलटेंगे। थोड़ा सा सिक जाएगा फिर हम इस पर ऑयल डालेंगे थोड़ा साइडों में ताकि ये चिपके नहीं और छूट जाए। और फ्रेंड, अगर आप लोहे के तवे पे बना रहे हो तो कोशिश करिएगा कि रोटी सेकने के बाद बनाएं। अगर आप उसको माँच के बनाएंगे तो थोड़ा सा चिपक सकता है 1-2। अगर आप वैसा रोटी बनाने के बाद डायरेक्ट तवा यूज करेंगे तो आपका बिल्कुल नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा हम इसको 1 साइड पहले पकने देते हैं। आप मॉर्निंग में इसको एक बहुत हेल्दी नाश्ते की तरह आप बना सकते हैं। मूंग दाल का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए तवे पे आराम से छूट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि मैंने रोटी बनाने के बाद डायरेक्ट इसको यूज़ किया है, माजा नहीं था। तो माज लेंगे तो फिर आपका डोसा चिपकेगा। ये देखिए आसानी से छूट गया है। अब हम इसको पलट के दूसरी साइड भी थोड़ा सा सेक लेंगे। थोड़ा ही सेकना है हमें दूसरी साइड। फ्रेंड, आप चाहें तो इसके जो है फिलिंग में पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए पका लिया है हमने इसमें। ये जो हमने फिलिंग है इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को एक साथ। मैंने इसमें हरी मिर्च भी काटी है लेकिन अगर आपके यहाँ कोई छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर दीजिए। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा एक मूंग दाल का, आप इसको चिला कह सकते हैं, डोसा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फ्रेंड, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे यहाँ आज लाइट बहुत जा रही है तो इसलिए थोड़ा सा बार बार लाइट जाने की वजह से वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा आ जा रहा है। तो ये देखिए हमारा एक डोसा तैयार हो गया है। ऐसे ही हम और भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा भी हम ऐसे ही डालेंगे। हल्का सा मैंने तवे को ग्रीस करके और पोंछ जरूर लीजिएगा ताकि आपका डोसा अच्छे से स्प्रेड हो। ये देखिए जितना स्प्रेड हो उतना ही स्प्रेड करिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा नहीं तो टूटने लगेगा। ये देखिए अब हम इसको पहले सिकने देंगे स्लो फ्लेम पे, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे। ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही चारों तरफ से छुड़ाते हुए इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पलट गया है। 1-2 आपका शुरुआत में खराब होगा, जरूर खराब होगा लेकिन उसके बाद आपका ठीक बनेगा। एक तरफ से हम सेक चुके हैं, दूसरी तरफ से थोड़ी देर सेकते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और इसमें हम फिलिंग डाल देंगे। सिक गया है हमारा डोसा, इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऐसे ही हम सारे डोसे बना लेंगे।
आप इसमें आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से फिलिंग रखेंगे। ये देखिए पहले डोसे से दूसरा डोसा मेरा ज्यादा क्रिस्प बना है, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे डोसा आपका बेहतर बनता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड मैंने मूंग दाल का डोसा बना लिया है, इसको मैंने दही की चटनी और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। मैंने दही चटनी टमाटर चटनी पहले भी रेसिपी शेयर की है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मैंने टमाटर की चटनी में टमाटर लिया है, 2 कलियाँ लहसुन की ली हैं, 1 टमाटर लिया था और मैंने 2 साबुत लाल मिर्च ली है और 1 प्याज लिया है, नमक लिया है। इतनी चीज़ें डाल के इसको पीस लिया है। और इस दही की चटनी में है धनिया पुदीना, एक मुट्ठी मैंने धनिया लिया है और 1/2 मुट्ठी मैंने पुदीना लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं, थोड़ा सा मैंने गरी ली है, 1 चम्मच कोकोनट जो होता है कच्चा या आपके पास वैसा गोला हो वो भी ले सकते हैं थोड़ा सा, 1 टुकड़ा और 2 लहसुन की कलियाँ, इसको 2 चम्मच दही के साथ मैंने पीस लिया है। तो ये हमारी दही की चटनी तैयार हो गई है, इसके साथ हम इसको खाएंगे। आप चाहें तो सांभर के साथ भी इसको खा सकते हैं। फ्रेंड आपको मेरा ये मूंग दाल का डोसे की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके फ्रेंड ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।